स्टूडेंट्स, आज हम शेक्सपियर के प्लेज के पॉपुलर लाइंस यानी कि फेमस कोटेशन पढ़ेंगे कि उनके प्लेज के कौन कौन से पॉपुलर लाइंस हैं या फेमस कोटेशन है वो आज हम पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये सारे कोटेशन एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने शेक्सपियर का कौन सा प्लेज लिया है, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट से जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। और स्टूडेंट मैं बता दे रही हूँ, ये एस के अरोरा की बुक से ये कोटेशन लिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट कोटेशन क्या है। ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सा सफर। ये किसका स्टेटमेंट है, मिरांडा का है, जो किस में बोलती है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओहो वुडेंट हैड बीन डन दाउ डिडेस्ट प्रिवेंट मी आई हैड पीपल्ड एल्स दिस आइल विद कैलिबंस। ये किसका स्टेटमेंट है, ये टेम्पेस्ट में किसका स्टेटमेंट है, कैलिबंस का है और एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है ये। नेक्स्ट तो क्या है इसकी, ये किसका स्टेटमेंट है, कैलिबन का है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्ज द रेड प्लेग रिड यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट किसका है, ये भी कैलिबन का है और ये कब आता है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में आता है। नेक्स्ट दे आर बूथ इन ईदर्स पावर बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट अनइजी मेक लेस टू लाइट विनिंग मेक द प्राइज लाइट। ये किसका स्टेटमेंट है, ये प्रोस्पेरो का है, जो कब आता है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में आता है। नेक्स्ट है आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई योर मेड टू बी योर फिलो, यू मे डिनाई मी बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नॉट। ये किसका स्टेटमेंट है, मिरांडा का है, जो कब आता है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में आता है। स्टूडेंट कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी शेक्सपियर के प्लेस के कोटेशन एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है और आते भी हैं। नेक्स्ट है द पार्ट्स डिलेइंग नॉट फॉरगेटिंग हैव इंसेंस्ड द सीज एंड शोर्स ई ऑल द क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस। ये किसका स्टेटमेंट है, एरियल का है, एक्ट थर्ड सीन थर्ड का। नेक्स्ट है लुक दाउ बी ट्रू डू नॉट गिव डेलियंस टू मच द रेन द स्ट्रॉन्गेस्ट ओथ्स आर स्ट्रा टू द फायर आई द ब्लड बी मोर अब्सटेनियस आर एल्स गुड नाइट योर वो। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये प्रोस्पेरो का है, एक्ट फोर सीन फर्स्ट की लाइन है ये। नेक्स्ट वी आर सच स्टिप एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद आर स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट काफ़ी बार आ भी चुका एग्जाम में और आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी भी है अपकमिंग एग्जाम में। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद आर स्लीप। ये किसका है, प्रोस्पेरो का है, एक्ट फोर सीन फर्स्ट की लाइन है। नेक्स्ट A devil, a born devil, on whose nature nurture can never stick, on whom my pains humanity taken all lost, quite lost. ये भी स्टेटमेंट किसका है, प्रोस्पेरो का है और कब का है, कौन से एक्ट और सीन का है, एक्ट फोर सीन फर्स्ट का है। नेक्स्ट
आई विल ब्रेक माई स्टाफ बरी इट्स शर्ट इन फैदम्स इन द अर्थ एंड डीपर देन डिड एवर प्लम साउंड आई विल ड्राउन माई बुक। ये किसका है? ये भी प्रोस्पेरो का है और एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट की लाइन है। एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट की लाइन है। एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट की लाइन। ओके, नेक्स्ट। ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। तो ये कौन बोलता है? ये मिरांडा बोलती है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है। स्टूडेंट्स, ये जो ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, किस राइटर ने यहाँ से टाइटल लिया था और किस लिए लिया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड टेम्पेस्ट से ये जो टाइटल है, ये कोई राइटर लिया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड और उसने अपने नॉवेल का नाम रखा है, टाइटल रखा है, वो राइटर कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, ए दैट आई विल एंड आई विल बी वॉइस हेयर आफ्टर एंड शीक फॉर ग्रास वॉट अ थ्राइस डबल एज वॉज आई टू टेक दिस ड्रंकर्ड फॉर अ गॉड एंड वर्शिप दिस डल फूल। ये कौन बोलता है? ये किसका स्टेटमेंट है? कैलिबन का है। और कब का है? कौन से एक्ट और सीन का है? तो एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट का लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। टेम्पेस्ट से जो जो इम्पोर्टेंट कोटेशन थे वो मैंने आज पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शेक्सपियर के दूसरा कोई प्ले लेंगे और उसका पॉपुलर लाइंस यानी कि फेमस कोटेशन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।